दोस्तों आज का वीडियो में बात करेंगे, अगर आप व्हाट्सएप में किसी को फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो भी भेजते हैं और भेजने के दौरान ब्लू टिक होता है वो नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है, इस वीडियो पर आपको यही चर्चा करेंगे। और चैनल पहली बार पहन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साथ दबा दीजिएगा। इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं व्हाट्सएप को ओपन किया और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी कर लिख के हम सेंड करते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो होता क्या कि देखिए, इससे मतलब कि अगर हम इसे एनेबल रखते हैं, जो सेटिंग होता है इससे हम लोग एनेबल रखते हैं, इसलिए कारण से इस तरह आपका ब्लू दिखाई देता है। और वही अगर आप इसे अनटिक कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर इसे आप ऑफ करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि जैसे, या फिर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजता है और उस सेटिंग को मान लीजिए वो बंदा जो भी आप जिसके पास भेज रहे हैं वो सेटिंग अगर ऑफ कर देगा वो, तो वो पता नहीं चलेगा कि वो आप उसने आपको जो भी आप फाइल भेजे हैं वो देखा है कि नहीं देखा है। उसी तरह अगर आप भी उसे बंद कर देंगे तो आपको जैसे कोई भेजेगा तो उसको भी पता नहीं चलेगा। जैसे आपको बता दें कि ये जो सेटिंग है, आपको हो सकता है आपको ये बात पता होगा, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप पे चलते हैं और व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग है, यहाँ पे इस तरह ऊपर में जो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 बिंदु जो दिखाई दे रहा है इस पर टैप करेंगे। इस यहाँ पे टैप करने के बाद इधर फर्स्ट में न्यू ग्रुप न्यू ब्रॉडकास्ट है लिंक के डिवाइसेस, तो नीचे में आपको एक सेटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर ओके करेंगे। और यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट चैट नोटिफिकेशन स्टोरेज एंड डाटा। तो देखिए यहाँ पे अगर अकाउंट पे अगर जा चलेंगे तो अकाउंट पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आप अपना जो भी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने सिक्योर जो भी आपको, जैसे मैं बहुत सारे सेटिंग है आप देख सकते हैं। तो इनमें से देखिए एक नीचे में आप देख सकते हैं पे रीड रिसिप्ट जो लिखा हुआ है, ये अभी मेरा चालू है। तो देखिए यही अगर चालू रहेगा तो क्या होगा कि कोई मैं किसी को डॉक्यूमेंट मान लीजिए भेजता हूँ तो, या फिर कोई मैं भेजता है तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ उसने भेजा है, तो ब्लू इस वजह हो जाता है। या फिर हम किसी को भेजते हैं अगर वो बंदा अगर आपका ईट अगर वन रखेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट उसने देख लिया, मैंने जो भी कुछ आपको मैसेज भेजे थे। तो बात यह समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये आप बंद रखते हैं तो कोई भी मैसेज आपको अगर भेजता है, अगर कोई भी मैसेज आपको भेजता है तो आप उसे देख लेंगे, लेकिन जो भेजने वाला है उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट देखा है या नहीं। चाहे आप कोई फ़ोटो वो भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, उसे पता नहीं चलेगा अगर इसे आप बंद रखते हैं तो। और यही सेटिंग अगर आप ऑन कर देते हैं तो उसे पता चल जाएगा, जैसे वो अपना जो भी मैसेज वो भेजता है, जैसे आप उसका मैसेज देखेंगे चाहे फ़ोटो वीडियो जो भी फाइल्स रहेगा, आप जैसे उस फाइल्स को ओपन करके देखेंगे तो उससे वहाँ पे ब्लू स्क्रीन जो टिक होता है वो हो जाता है। तो यही बात होता है कि आप मान लीजिए आप किसी को भेजते हैं और वो ये जो सेटिंग है वो बंद रखता है तो इस कारण से आपको पता नहीं चलेगा कि उसने मेरा डॉक्यूमेंट देखा है कि नहीं देखा है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार पाएं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साथ दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।